पटना में डेंगू का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि कहर की चपेट में अब आम लोगों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस कर्मी भी आ गए हैं। किसी थाने में 5 तो किसी थाने के सभी पुलिस कर्मी ही डेंगू की चपेट में आ गए हैं। पत्रकार नगर थाने में सबसे ज्यादा 14 पुलिस कर्मी डेंगू से संक्रमित है। हालत ये हो गई है कि डेंगू के बावजूद भी पुलिस कर्मी किसी तरह काम कर रहे हैं। अधिक बीमार वाले SI व सिपाही को छुट्टी दे दी गई है। वही थानाध्यक्ष भी तेज बुखार की चपेट में है। पत्रकार नगर थाने के अलावे कंकड़बाग, बुद्धा कॉलोनी, कोतवाली, शास्त्री नगर, पीर बोहर समेत अन्य थानों की पुलिस भी डेंगू के डंक का शिकार हो गए हैं। पुलिस कर्मियों में डेंगू से जहां खौफ व्याप्त है, वहीं बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने हालात को देखते हुए अधिकारियों से शॉपिंग से लेकर दूसरे साधनों को मुहैया कराने का अनुरोध किया है। क्या हुआ है इनको? डेंगू हो गया था। हाँ, डेंगू पॉजिटिव। थाना का कर्मचारी है? हाँ। किस पद पे है? सिपाही के पद पे। लगभग 12 लोगों को यहाँ डेंगू की सूचना है। 12 लोगों को डेंगू पॉजिटिव है। क्या कुछ कहेंगे? हम लोग खासा करके साफ सफाई पे विशेष करके ध्यान दिलवा रहे हैं, और फॉगिंग के लिए भी अजय सीनियर SP साहब को हम लोगों ने बोले हैं। सर का भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि नहीं, भिजवाएंगे और सुबह शाम फॉगिंग कराएंगे। बाकी जो जिनका ज़्यादा तबीयत ज़्यादा मतलब कि बिगड़ गया है, उनको हम लोग हॉस्पिटल में एज एडमिट करा रहे हैं, समुचित इलाज करवा रहे हैं। हालात ये है कि एक एक थाना में 12-12 पुलिस दर्जनों अब जान ही रहे हैं। सिर्फ थाना भी नहीं, पूरा ग्रामीण क्षेत्र में भी हर जगह फैल रहा है। इसके लिए तो अब जान ही रहे हैं कि इस जो क्रिटिकल मंथ चल रहा है, इस मंथ में तो डेंगू बढ़ता ही है हमेशा। यूनियन की तरफ से कुछ मांग की गई है क्या? बिल्कुल, हम लोगों ने फॉगिंग के लिए, उसके बचाव के लिए मांग की है। अजय SSP साहब भी बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि हम आपको फॉगिंग करवा देते हैं।